पूरे हिंदुस्तान के लोगों को शांति नय श्रीवास्तव नमस्कार करती हूँ। आज मुझे आज मैं 8:30 बजे नहाया मैंने, थोड़ा सा मेरा कुछ थोड़ा सा पुराने ज़माने के थोड़े रीति रिवाज मानती हूँ, तो थोड़ा छुआछूत वाला ज़रा थोड़ा सा चलता है मेरा हिसाब किताब। तो मैंने नहाया तो बाल सुखा रही हूँ मैं, और आज मैं मतलब काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। और मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मुझे जहाँ से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है तो मैं वहीं से मतलब वहीं पर अपना मतलब हिसाब किताब जमा रही हूँ, थोड़ा सा रिस्पांस वहाँ से अच्छा मिल रहा है। तो मैंने बताया था कि अपने मेरे पास वीडियोस हैं वहाँ मथुरा वृंदावन की, तो मैं आज आपको वीडियो जो है और दिखा रही हैं तो गौर से देखिएगा। उसमें हमारी संस्कृति जो है विदेशी लोग ग्रहण कर रहे हैं, विदेश के जो लोग हैं वो लोग कान्हा को बहुत मानते हैं, जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग देखिएगा। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि एक उदाहरण मैं देती हूं कि जैसे अपन कोई सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगा लें या शॉपिंग करके मंगा लें, उसकी पैकिंग बड़ी सुंदर रहती है और सामान भी उसके अंदर का बहुत सुंदर रहता है, तो फिर वो क्या होता है कि जब हम लोग उसकी पैकिंग खोलते हैं तो वो सामान निकल के बाहर आता है तो वो बहुत सुंदर रहता है। तो उसको क्या करते हैं अपन कभी कभी ही यूज़ करते हैं। तो मैं एक तुलना जो है एक नारी की तुलना जो है एक इंसान की तुलना सामान से नहीं कर रही, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि वो जो है चीज़ अपन कितना संभाल के रखते हैं और अपन ये सोचते हैं अरे ये कोई देख नहीं ले, अरे ये कोई देख नहीं ले, नहीं तो ये कॉमन हो जाएगी, नहीं तो ये कॉमन हो जाएगी। यदि 4 लोगों ने अपना ये सामान देख लिया तो इसको छुपा के रखो, कभी कभी बहुत अच्छे प्रोग्रामों में हम इसे पहनेंगे। इसी तरीके से स्त्री का शरीर होता है, भगवान ने उसको सुंदरता दी है तो वो इसलिए नहीं दी है कि हम दूसरों का मनोरंजन करें, हम जहाँ तक हो सके ढके मुंदे रहें, जितने हम ढके मुंदे रहेंगे उतना चार में अपने पति का बढ़ेगा। या क्या कहते हैं कि अरे देखो मेरी पत्नी जो है कितनी ढकी मुंदी रहती है, और वो उसकी इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन जो चीज़ कॉमन तरीके से घूमती हुई नज़र आएगी बिना कपड़ों के या एंडमेंट कपड़ों के, जैसे वो उर्फी जावेद घूम रही है उसका मैं बताऊंगी आपको। उर्फी जावेद जो है बहुत ही बदतमीज, ऐसी मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी जो पूरी लड़कियों को हिंदुस्तान में वो इस तरीके का वो कर रही है, और गवर्नमेंट उसके लिए क्यों एक्शन नहीं ले रही ये मेरे को समझ में नहीं आता। तो एक कानून ऐसा लग रहा है आज की स्थिति को देखते हुए कि एक कानून तो बनाना पड़ेगा सरकार को जो ये भद्दे तरीके के, क्योंकि ये राम का स्थान है, जहाँ राम मंदिर बन रहा है हिंदुस्तान में उस जगह पे गंदगी ना फैलाई जाए। तो हम ये कहते हैं शरीर को जितना ढाँक के रखेंगे ना उतना कीमती होगा वो, और जितना ओपन नहीं रखेंगे कॉमन रखेंगे उतना वो कॉमन हो जाएगा। अरे देखी हुई चीज़ें, अरे है, अरे यार उससे अच्छे अच्छे लोग हैं देखने वाली, अच्छी अच्छी लड़कियाँ हैं, इस तरीके की फिर ये कॉमन बात हो जाती है। तो इसलिए जितना हो सके अपने आप को ढाँक मूंद के रखिए, उतनी ही आपकी वैल्यू होगी, उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट होगी, सब आपको इज्जत से देखेंगे। जितना ओपनली आप घूमेंगी, उर्फी जावेद कितनी गंदी गंदी, उसको स्वाभिमान है ही नहीं है, बेशरम औरत है वो, थोड़ा सा ज़िंदगी में स्वाभिमान भी होना चाहिए, सुनना भी चाहिए। अभी वो और कोई लड़की होती तो वो इतना नहीं सुनती, वो तो बहुत ही बेकार है। खैर जाने दीजिए, कभी ना कभी तो लोग उसके पीछे पड़े ही हैं, और इसी तरीके से फिर ये एक कानून बन जाएगा कि हिंदुस्तान में इस तरीके से बदतमीजी नहीं चलेगी। तो मेरा वीडियो देखिए प्लीज़। जय श्री राम, जय हिंद। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि सबके घर बचे रहें, सबके परिवार बचे रहें, और सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, किसी तरीके की किसी भी बात को लेकर के लड़ाई ना हो, तो मेरा यही ध्येय रहता है। इसलिए मैं सबको बताती रहती हूँ मेरी जो बातें हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। तो देखिएगा मेरा वीडियो, थैंक्स। वीडियो में मैं ये बता रही हूँ कि वहाँ हमने मथुरा वृंदावन में देखा था
कि किस तरीके से अंग्रेज लेडीज़ों ने कान्हा को माना है और साड़ी पहनी हुई है। तो देखिएगा आप लोग, है ना, बाकी का वीडियो देखिएगा। सब वापसी हो रहे हैं सारे। मथुरा से प्रस्थान, नीयत बढ़ गई घर में। माला जप रहे हैं, इधर ये खड़ी हुई है शर्ट हाँक करके।